लता मंगेशकर जी कम से कम 27 दिन तक हॉस्पिटल में रही, जिसके बाद वो हम सबके बीच से चली गई और सबको अलविदा कह गई। जी हाँ, 6 फरवरी को लता दीदी का निधन हो गया। जानकारी के लिए बता दें कि लता मंगेशकर जी पंचतत्व में विलीन हुई हैं। लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने अपनी मौत को खुद बुलाया है। जी हाँ, खबरें हैं कि उन्होंने खुद तय किया कि उनको अब और नहीं जीना और वह हम सबके बीच से चली गई। बल्कि ऐसा हम नहीं बल्कि उनके घर वाले बता रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि आशा भोसले ने बताया कि लता दीदी पिछले 27 दिनों से अस्पताल में भर्ती थी, उनकी रिकवरी भी हो रही थी, लेकिन आखिरी के 3 दिन उन्होंने वेंटिलेटर पर गुजारे, जिसके बाद वो आखिरी वाले दिन वेंटिलेटर से आईसीयू में भी आ गई थी। लेकिन डॉक्टर्स ने साफ मना किया था कि उनको ऑक्सीजन मास्क नहीं उतारना है, लेकिन लता दीदी ने अपनी आखिरी ख्वाहिश में मुझसे ईयरफोन्स मंगवाए और मैं खुद अपने घर से ईयरफोन्स लेकर गई थी। जब मैंने उनको ईयरफोन्स दिए तो उन्होंने पिताजी की रिकॉर्डिंग सुननी शुरू कर दी, जिसके बाद उन्होंने ऑक्सीजन मास्क को हटा दिया और रिकॉर्डिंग सुनते सुनते गाना गाने लगी। जी हाँ, आशा ने जी ने बताया कि खुद लता मंगेशकर जी ने अपना ऑक्सीजन मास्क हटा दिया और अपने पिताजी की रिकॉर्डिंग्स के गाने सुनते सुनते उनको गुनगुनाने लगी। डॉक्टर्स ने मना किया कि आप ऑक्सीजन मास्क मत हटाइए, यह आपके लिए खतरा बन सकता है, लेकिन वो नहीं मानी और उन्होंने ऑक्सीजन मास्क को हटा कर गुनगुनाना शुरू कर दिया। आशा जी ने बताया कि अपने आखिरी समय में वो बस अपने पिता को याद कर रही थी, वो उनके गुरु थे और वो मेरे भी गुरु थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि शायद लता दीदी को पता चल चुका था कि अब उनकी रिकवरी नहीं हो सकती और उनको एहसास होने लगा था कि वो हम सबके बीच से जा रही हैं, इसलिए उन्होंने यही ठीक समझा कि वो अपने आखिरी समय में अपने पिता, अपने गुरु और भगवान को याद कर लें, इसीलिए शायद उन्होंने अपना ऑक्सीजन मास्क हटाकर ये कदम उठाया।